खानेवाल पुलिस की अहम और बड़ी कार्रवाई, ननी बच्ची जेबा का कातिल 24 घंटों में ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। मजीद इसी हवाले से बात करेंगे डिविजनल ब्यूरो चीफ जाफर हुसैन से। जी जाफर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, खानेवाल 27 जून 2021, खानेवाल पुलिस की अहम और बड़ी कामयाबी, नन्ही बच्ची जेबा का कातिल उसका हकीकी चाचा निकला। खानेवाल पुलिस ने 24 घंटे में जेबा नदीम के कातिल को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। मुलजम बिनिया यामी ने दौरान तफ्तीश इतराफ़ जुर्म कर लिया। सहाफ़ी बरादरी, ताजर बरादरी, वकला बरादरी और शहरियों को DPO मोहम्मद अली वसीम और उनकी टीम ज़बरदस्त खराज तहसीन। इस जमन में एडिशनल IG साउथ पंजाब कैप्टन जफर इकबाल अवान ने DPO ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मासूम बच्ची जेबा नदीम का अगवा के बाद कत्ल पुलिस के लिए एक चैलेंज था। पुलिस ने शब रोज़ मेहनत और जदीद टेक्नोलॉजी और CCTV फोटेज की मदद से मासूम बच्ची के कातिल को ट्रेस और गिरफ्तार करके काबिल तस्कीन काम किया। इस मौके पर रेंजर पुलिस ऑफिसर मुल्तान सैयद खुरम अली, AIG डिसिप्लिन साउथ पंजाब इमरान शौकत, DPO मोहम्मद अली वसीम और दीगर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। एडिशनल IG साउथ पंजाब ने बताया कि नन्ही मासूम बच्ची का कातिल उसका हकीकी चाचा निकला, जिसने बच्ची के कत्ल का जुर्म का इतराफ कर लिया। मुलजिम के मुताबिक बच्ची को तकिए से सांस बंद करके कत्ल किया और रास की लाश घर के करीब वाके खेतों में बोरी में बंद करके फेंक दी और बच्ची के लवाइकीन के साथ मिलकर वावेला करता रहा। उन्होंने बताया कि बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल केस में ज्यादती का होना नहीं पाया गया, बल्कि मुलजिम ने घरेलू रंजिश की वजह से सांस बंद करके बच्ची की जान ली। उन्होंने बताया कि DPO मोहम्मद अली वसीम और उनकी टीम को शाबाश देते हुए कहा कि पुलिस की जानिब से जेबा नदीम के लवाइकीन को फौरी इंसाफ की फरामी काबिल स्ताइश है। मुलजमान को हर सूरत कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा और साथ ही साथ जेबा नदीम कत्ल केस में गफलत और लापरवाही बरतने वाले पुलिस अफसरान का सख्त हिसाब किया जाएगा। बहुत शुक्रिया जाफर तफसीलात से आगाह करने का।